राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। श्रम शोषण की काली सच्चाई पर प्रकाश डालने वाली एक भयानक घटना में राजनामा न्यूज को रांची के तुपुदाना में एक मां से मदद की एक हताश अपील मिली। उसका बेटा रोशन, एक 16 वर्षीय लड़का जिसने हाल ही में अपनी 10वीं की कक्षा की परीक्षाएं पूरी की थी, काम का वादा करके बेंगलुरु लाया गया था, लेकिन वो खुद को एक विकट परिस्थिति में फंसा हुआ पाता है। 18 जून 2024 की रात को लगभग 10:45 पर हमारे फोन लाइनों पर रांची के तुपुदाना में रहने वाली एक माँ का बेचैन कॉल आया। चिंता और निराशा से भरी उसकी आवाज में उसने हमसे अपने बेटे रोशन को बचाने में मदद करने की गुहार लगाई। रोशन एक होनहार युवक जिसने अभी अभी अपनी 10वीं की कक्षा पूरी की थी और परिवार की आय में योगदान देने के लिए उत्सुक था। उसे मार्कोनी नामक एक चालाक व्यक्ति ने बहकाया था। मार्कोनी ने रोशन की अनुभवहीनता और खुद को साबित करने की इच्छा का फायदा उठाते हुए बेंगलुरु में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी के अवसर की एक गुलाबी तस्वीर पेश की थी। हालांकि वादा किए गए स्थान पर पहुंचने पर रोशन ने सपने जल्दी ही चकनाचूर हो गए थे। मार्कोनी का असली चेहरा सामने आया और रोशन ने खुद को एक भयानक स्थिति में फंसा पाया। जब रोशन ने वादे के मुताबिक वेतन की मांग की तो मार्कोनी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया। रोशन की दलीलों को दबाने और उसे डराने धमकाने के लिए मार्कोनी ने क्रूर हिंसा का सहारा लिया। क्रूरता के एक घिनौने प्रदर्शन में मार्कोनी ने रोशन की उंगली को एक तेज चाकू से काट दिया और एक मोटे डंडे से उसे बेरहमी से पीटा। रोशन आघातग्रस्त और शारीरिक रूप से घायल, पूरी तरह से असहाय और अकेला महसूस कर रहा था। रोशन ने यह भी बताया कि उसके भाइयों को भी उसी आदमी ने बहकाया था और वह पहले ही भाग चुके थे और घर वापस जाने के लिए ट्रेन में थे। रोशन ने यह भी बताया कि मार्कोनी के भाई और मार्कोनी ने रोशन के साथ काम करने वाले व्यक्ति को बुरी तरह पीटा था और उसके शरीर को विकृत करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। रोशन, जो कि जाहिर तौर पर व्याकुल और सहमा हुआ था, हमसे संपर्क करने में कामयाब रहा। एक वीडियो कॉल के जरिए उसने अपनी आपबीती सुनाई। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि वह उन भयावह घटनाओं के बारे में बता रहा था जो सामने आई थी। उसने हमें मार्कोनी के द्वारा पहुंचाई गई चोटें दिखाई, उसकी उंगली पर एक दर्दनाक कट और शरीर पर खरोच के निशान जो उसके साथ हुए दुर्व्यवहार का स्पष्ट सबूत थे। भ्रमित और डर से भरा हुआ रोशन अपने सटीक स्थान के बारे में अनिश्चित था। उसे लगा कि वह बेंगलुरु में है, लेकिन अपनी सूझबूझ की बदौलत वह अपने डिजिटल साक्षरता का फायदा उठाने में सक्षम था। अपने फोन के लोकेशन शेयरिंग फीचर का इस्तेमाल करते हुए उसने व्हाट्सएप के जरिए अपनी लाइव लोकेशन भेजी, जो उम्मीद की किरण थी और अंततः उसके बचाव की ओर ले गई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए हमने तुरंत UPI के जरिए रोशन के खाते में 500 रुपये ट्रांसफर कर दिए। यह छोटी सी रकम उसे भोजन और परिवहन जैसी तत्काल जरूरतों में मदद कर सकती थी, क्योंकि वो भागने की योजना बना रहा था। हमने रोशन को एक सुरक्षित ठिकाना खोजने के लिए कहा, जैसे कि पुलिस स्टेशन या सुरक्षा कर्मियों के साथ कोई सार्वजनिक स्थान, और मदद आने तक वहीं रहने के लिए कहा। हमने उसे अपने फ़ोन की बैटरी बचाने और फ़ोन को चालू रखने की भी सलाह दी थी ताकि हम उससे संपर्क बनाए रख सकें और उसकी हरकतों पर नज़र रख सकें। हालांकि रात 1 बजे तक रोशन का फ़ोन बंद हो गया, उसकी लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सका। बिना किसी डर के हमने तमिलनाडु पुलिस से संपर्क किया और शुरुआती भाषा संबंधी बाधाओं के बावजूद हम कृष्णागिरी के DSP उदय कुमार से संपर्क करने में सफल रहे। पुलिस की प्रतिक्रिया बहुत तेज और सराहनीय थी, खासकर देर रात को देखते हुए उनकी सहायता से और रोशन के अंतिम ज्ञात स्थान की जानकारी का उपयोग करके हम उस इमारत को ठीक से पहचान पाए जहां उसे बंदी बनाकर रखा गया था। सराहनीय तत्परता के साथ काम करते हुए DSP होसूर और होसूर कैंप के नेतृत्व में होसूर कैंप पुलिस के अधिकारियों की एक टीम
लोकेशन डेटा के माध्यम से पहचानी गई इमारत में पहुंची। हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे पुलिस को अपनी खोज को सीमित करने और होसूर के मोरनापल्ली क्षेत्र के भीतर सटीक इमारत का पता लगाने में मदद मिली। समय बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि रोशन और भी अधिक खतरे में हो सकता है। पुलिस दल ने इमारत को घेर लिया, अपराधियों को पकड़ने और रोशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार हो गए। इमारत में प्रवेश करने पर उन्होंने रोशन को बंधे हुए और आतंकित अवस्था में पाया। पुलिस अधिकारियों को दरवाजे से घुसता देख रोशन के लिए एक अवास्तविक और भारी अनुभव रहा होगा। उसे राहत मिली होगी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका कष्ट आखिरकार खत्म होने वाला था। अधिकारी तुरंत रोशन और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए चले गए। उन्होंने किसी अन्य पीड़ित की जांच की और सुनिश्चित किया कि कोई तत्काल खतरा न हो। रोशन कमजोर और सहमा हुआ अपनी कैद के बारे में विस्तृत विवरण देने में असमर्थ था, लेकिन अधिकारी उसे छुड़ाने के लिए घटनाओं को एक साथ जोड़ने के लिए पर्याप्त जानकारी जुटाने में सक्षम थे। पुलिस के अचानक आने से मार्कोनी और उसके साथी चौंक गए, जो पकड़े जाने से बचने के लिए हताश प्रयास में घटना स्थल से भाग गए। पुलिस ने रोशन को सफलतापूर्वक बचाया, जिससे उसका कष्ट समाप्त हुआ। रोशन को बचा लिया गया और उसके बाद से वह सुरक्षित रूप से तुपुदाना में अपने घर वापस आ गया। यह घटना युवा और अक्सर हताश नौकरी चाहने वाले द्वारा सामना की जाने वाली कमजोरियों की एक कठोर याद दिलाती है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि मीडिया और कानून प्रवर्तन इस तरह के शोषण का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मार्कोनी और उसके गिरोह के भागने से मानव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क में उनकी संभावित संप्लिता के बारे में भी गंभीर चिंताएं पैदा हुई है। लाभकारी रोजगार का लालच तस्करों द्वारा रोशन जैसे कमजोर व्यक्तियों को शिकार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक आम रणनीति है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने न केवल रोशन को और अधिक नुकसान से बचाया, बल्कि संभावित रूप से एक व्यापक आपराधिक अभियान को भी बाधित किया। मार्कोनी की गतिविधियों की पूरी सीमा को उजागर करने और इस जघन्य अपराध में शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए जांच जारी है। यह घटना मानव तस्करी को रोकने में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करती है। कम उम्र के यात्रियों पर कड़ी जांच की कमी, साथ ही कुछ रेलवे अधिकारियों की लापरवाही अनजाने में तस्करों और उनके पीड़ितों की आवाजाही की सुविधाजनक बना सकती है। हम रेलवे अधिकारियों से इस तरह के शोषण को रोकने के लिए सख्त उपाय लागू करने का आग्रह करते हैं, जिसमें सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य पहचान जांच और संदिग्ध व्यक्तियों को समूह के खिलाफ कड़ी सतर्कता शामिल है। राजनामा न्यूज की टीम इस तरह के अन्याय को उजागर करने और इसके शिकार लोगों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस मामले में तमिलनाडु पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह घटना भविष्य में इस तरह के शोषण को रोकने के लिए अधिक सतर्कता और सख्त उपायों के लिए उत्प्रेरक का काम करेगी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।